सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ साजिदा। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सिंपल और आसान सा नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बच्चों को सर्दी, जुखाम, कफ, कोल्ड, जो भी तकलीफ होती है दोस्तों, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, बच्चे बता नहीं पाते उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। लेकिन दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। तो सर्दियों में आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें, इससे आपके बच्चे को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस सिर्फ एक चीज़ ही लेना है। एक ही चीज़ से हमें इतना फ़ायदा होगा दोस्तों कि आप कभी डॉक्टर के पास जाना ना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक। गार्लिक को मैंने छील लिया है दोस्तों। यहाँ पे आप कितनी भी क्वांटिटी में गार्लिक जो है लहसुन ले सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 7 लहसुन लेना है, लेकिन आप यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ा या कम कर सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, मैं आज आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने तावे को गर्म कर लिया है, और तावा हमारा बहुत ही अच्छे से क्लीन है। कोई भी आप नॉन स्टिकी स्टिकी तावा ले सकते हो, और उसके ऊपर हमें गार्लिक को अच्छे से सेकना है, अच्छे से ब्राउन होने देना है दोस्तों। और पूरा भी हमें ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा रहने देना है। मैं आपको बता देती हूँ कि कितना पकाना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको पलट पलट के करते इसको सेकना है, ताकि दोनों साइड जो है थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए, कलर चेंज हो जाए। हमारा जो लहसुन लिया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दोस्तों, जो हमारा लहसुन है उसकी मात्रा जो बढ़ा भी सकते हो या फिर आप घटा भी सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा लहसुन अच्छे से सीख रहा है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सी और हमें इसका कलर चेंज करना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, इसका कच्चापन भी ना जाए दोस्तों, ये अंदर से सॉफ्ट भी रहे और इसका जो नेचुरल जूस होता है गार्लिक का वो भी रहे, ताकि इसका पूरा फ़ायदा हमारे बच्चों के ऊपर हो अच्छे से। तो दोस्तों, इसको अच्छे से मैंने कर लिया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो चलिए, मैं आपको आगे का प्रोसेस, इसको क्या करना है मैं बताती हूँ। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक छोटी सी प्लेट में। दोस्तों, इसको मैंने छोटी सी प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है दोस्तों। इतना ही आपको भी करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है दोस्तों। और इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका जो है, इसकी एक कॉटन के कपड़े में या कॉटन का रुमाल जो भी आपके पास हो, वो थोड़ा क्लीन हो दोस्तों, और उसका हमें एक छोटा सी पोटली बनाना है। और पोटली बनाने के आपको क्या करना है दोस्तों, पोटली बनाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा बच्चे को सेकना है, बच्चों के सीने पे सेकना है दोस्तों, जहाँ पे कफ जमा होता है वहीं पे आपको सेकना है। उससे पहले आपको खुद ट्राई करना है अपने हाथ पर, उसके बाद आपको सेकना है। डायरेक्टली बच्चे के ऊपर नहीं सेकिए दोस्तों, क्योंकि गर्म हो सकता है, वो गर्म हो, तो इसके बाद ही आपको करना है। तो फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है कि आपके घर में जो भी बड़े बच्चे हैं या स्टूडेंट है या स्कूल जाते हैं 10 से 20 साल के, तो उनको आप ये खिला सकते हो। 3 से 4 गार्लिक आराम से खा लेंगे दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 5 6 साल के बच्चे हैं तो 1 2 गार्लिक अगर खाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें खिला दीजिए। उससे क्या होगा, सर्दी जुकाम खांसी पूरे सर्दी के मौसम में नहीं होगा। और छोटे बच्चों को तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मेक श्योर आपको ये नुस्खा, ये रेमेडी, ये मेथड पसंद आएगा। तो फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।